हेलो फ्रेंड्स, आज हम बातें करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। शायद अगर ऐसा हुआ होता पहले तो आज वो हमारे बीच होते, या फिर जो उनको सुसाइड का ये नाम दिया जा रहा है उनके ना रहने पे, वो ना दिया जाता। तो आइए आज हम बातें करते हैं। मैं हूँ रश्मि, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जो बातें करने जा रही हूँ वो है सुशांत सिंह राजपूत मूवी के, यानी कि जो उनकी मूवी आ रही है दिल बेचारा, उस बारे में। अभी आप देखो, वो हमारे बीच तो है नहीं, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जस्टिस फॉर सुशांत ऐसा करके पेज बना रहे हैं, ऐसा करके बहुत सारे पोस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और उनका जो ये ट्रेलर आया दिल बेचारा, ये ट्रेलर पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी रिकॉर्ड तोड़ चुका है, यानी कि काफी मिलियन व्यूज गए हैं। अभी 2 दिन हुए उस ट्रेलर को, और उस ट्रेलर का व्यू है 49 मिलियन, यानी कि बहुत ही जल्दी वो 50 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। और जिस तरह से ट्रेलर आया और लोग उनको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख रहे हैं कि अरे वाह क्या एक्टिंग है, अरे वाह क्या स्माइल है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन क्या आप सबको ये पता है कि जब दिल बेचारा मूवी का पोस्टर आया था, जब ये फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया गया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आज जस्टिस फॉर सुशांत कर रहे हैं, जो आज लड़ रहे हैं, वही लोग बहुत सारी चीजें लिख रहे थे। यानी कि मैं हर किसी के बारे में नहीं बोलूंगी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पोस्टर के नीचे जाके बहुत सारी गंदी गंदी कमेंट्स लिख रहे थे, निगेटिविटी फैला रहे थे, जैसे कि आपको प्रूफ में देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन आज वही लोग जस्टिस फॉर सुशांत कर रहे हैं। देखो, आज वो हमारे बीच में है नहीं, उनके जो भी हत्या हुई है या जो भी सुसाइड किया, जो भी हुआ है, अभी तक इस बात की क्लियर नहीं हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान सुसाइड कर सकता है। लाइक देखो, पढ़ाई में हमेशा आगे, बहुत सारी नॉलेज थी उन्हें, चाहे वो फिजिक्स से लेके हो, चाहे बहुत सारी चीजें हो, पैसों की कोई कमी नहीं थी, बहुत सारी करोड़ों करोड़ों रुपए चैरिटी कर रहे थे वो। मूवी आने वाली थी, जो बंदा काइपोची जैसी मूवी कर रहा है, जो बंदा धोनी का बायोपिक कर रहा है, राजकुमार हिरानी, मुकेश छाबड़ा जैसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहा है, हाँ ठीक है, 5-6 मूवी गई। और बहुत सारे लोग अभी ये भी बोल सकते हैं कि हाँ वो इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे ऐसी चीजें लिख रहे थे, लाइक कि मेरी मूवी देखो वरना मुझे बॉलीवुड से निकाल देंगे। देखो, ये नॉर्मली ना हर कोई अपने प्रमोशन के लिए करते हैं। अब जैसे कोई मूवी आई, कुछ कोई कुछ लिखता है, तो वो नॉर्मली अपनी मूवी के व्यू के लिए या लोग जाके देखे, लोग उनको पसंद करें, वो तो वो लिखेंगे ही ना, वो हर किसी की बातें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा सुसाइड कर सकता है। खैर, ये बातें तो सीबीआई, अब जब भी अगर सीबीआई आती है या जांच होता है, नहीं तो ये मुंबई पुलिस जब तक खींच रही है, यानी कि 14 जून को उनकी हत्या हुई है और अभी तक इस चीजों को खींचा जा रहा है। इन्हीं हाँ, मेरा ये टॉपिक है नहीं, मेरा ये टॉपिक ये है कि जब इंसान रहता है तब आप उसके मूवी के पोस्टर को या मूवी के ट्रेलर को या मूवी को बहुत सारी हेट देते हो, बहुत सारी निगेटिव फैलाते हो, अरे ये बंदा, ये बंदे को एक्टिंग नहीं आती है, ये बंदा क्या करेगा, अरे ये बंदा, ये जो जो मूवी आ रही थी दिल बेचारा, अरे इस बंदे ने इस मूवी पूरी मूवी को, इस नॉवेल को खराब कर दिया, ऐसी ऐसी चीजें जब लोग लिख रहे हैं, वही बंदे आज उस मूवी को थिएटर में रिलीज करने के लिए लड़ रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि उनकी मूवी थिएटर में देखूं, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आप किसी के मरने का वेट क्यों कर रहे हो कि कोई मरे और फिर उसके बाद उसकी ट्रेलर को, उसकी मूवी को हम पूरे रिकॉर्ड तोड़ दे एकदम, ऐसा क्यों करना। हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि राजकुमार राव, कंगना रनावत, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, जिनका कोई भी गॉडफादर नहीं है, लेकिन निगेटिविटी तो फैलाना है। अरे वो बंदा पोस्ट डाला है, चलो उसके पोस्ट पे कमेंट करते हैं, अरे उसकी मूवी आ रही है, चलो गंदा रिव्यू करते हैं, मतलब कुछ भी बोलना है। देखो, नेपोटिज्म तो है, नो डाउट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप लोग
एक इंसान के मरने का वेट करे और उसके बाद मिलियन मिलियन व्यू, बहुत सारी चीजें करे, प्यार मोहब्बत दिखाए। देखो मुझे भी बिलीव नहीं है अभी तक कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। हाँ मुझे भी वैसा कोई ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ी फैन थी उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी मैं कोई वीडियो देखती हूँ, जब भी कोई फोटोज देखती हूँ, तो मुझे ना अंदर से फील नहीं होता है कि नहीं यार ये बंदा तो नहीं कर सकता ऐसा, मतलब ऐसा क्यों किया। मुझे भी हमेशा ऐसा फील होता है, बट हमारा मोटिव यही है कि जो भी हमारे इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में जो भी है, जो भी टैलेंटेड है, उनको आप आगे बढ़ाओ, ना कि आप उसके फोटोज के ऊपर, ना कि जाके उसकी मूवीज के ऊपर गंदे गंदे कमेंट या निगेटिविटी फैलाओ। तो किसी के मरने का वेट ना करो। आज सुशांत सिंह राजपूत गया है और उसके डेथ का कारण सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो बहुत डिप्रेशन में था, वो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन शायद ये चीजें नहीं हो सकती थी अगर आप लोग उससे पहले ही मिलियन वो कर देते हैं। तो लोग कहते हैं अरे इसके तो मिलियन हिट गए हैं, ये डिप्रेशन में तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन आज लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ वो डिप्रेशन में था, तो शायद ये रीजन नहीं होता तब। तो आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।